हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाईकैम ट्यूटोरियल। आज के टॉपिक में हम यूप्लॉयडी एंड अनइम्प्लॉयडी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि यूप्लॉयडी और अनइम्प्लॉयडी क्या होते हैं, किस तरीके से क्रोमोसोम्स गेन और लॉस होते हैं। आज के टॉपिक में हम ये सारी बातें कवर करेंगे। तो देखिएगा, ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें तो इसको हम 2n कहते हैं। 2n इक्वल टू हमारे पास ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन अगर पैटर्न हमारे पास ये है तो अगर हम कहेंगे कि एक क्रोमोसोम्स की हमेशा दो कॉपीज बनती है, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स की हमेशा दो कॉपीज बनती है, तो इस तरीके से देखिएगा हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो हर क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज बनती है। तो 2n इक्वल टू 46 और एक क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज बनती है, ठीक है स्टूडेंट। हर क्रोमोसोम्स की एक कॉपीज बनती है। अगर सपोज में क्रोमोसोम्स नंबर वन, फिर क्रोमोसोम्स नंबर टू, इसकी भी दो कॉपीज बनेगी। इस तरीके से 23 तक आएंगे हम, 3, 4, 5, 6, 23 तक हर क्रोमोसोम्स की हमारे पास दो कॉपीज होती है। तो इतने तक आपकी समझ में आ गया होगा, हमारे पास टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर में बात करें तो 2n इक्वल टू 46 में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज बनती है। अब देखिएगा, अब क्रोमोसोम्स की हमारे पास क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज होते या क्रोमोसोम्स चेंज होते, किस वजह से क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं उसको, क्रोमोसोम्स चेंज होने की कंडीशन भी होती है, म्यूटेशन हम कहते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी म्यूटेशन के ऊपर डिस्कस करा। म्यूटेशन होने की वजह से हमारे पास क्रोमोसोम्स की नंबर में चेंज आता है, ठीक है। म्यूटेशन होने की वजह से क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आता है। तो म्यूटेशन जब होता है कि जीन्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, म्यूटेशन होने की वजह से जीन्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। जेनेटिक सीक्वेंस या उनके जेनेटिक कोड चेंज हो जाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। किसकी वजह से? म्यूटेशन होने की वजह से। अब म्यूटेशन क्यों हुआ? म्यूटेशन मींस इवोल्यूशन हुआ या म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन होने की वजह से चेंज आ जाता है। म्यूटेशन मींस जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज होना, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन होने की वजह से हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर कम भी हो सकते हैं, नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे पास जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज होने की वजह से म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन की वजह से हमारे पास क्रोमोसोम्स के नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं, जिसको कि हम कहेंगे लॉस और गेन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशन होती है। हमारे पास हमने कहा कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 46 होनी चाहिए। अगर ये 46 है, अगर 46 से कम हो गए, ठीक है, 46 से कम हो गए, यहाँ पे 45 एंड 44 एंड 43, इतनी कंडीशन लिखी हमें। 46 के बाद 47 एंड 48, इस तरीके से हमने ये क्या लिखे, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 46 होते हैं। अगर 46 से 45 हो गए, 44 हो गए, 43 हो गए और 46 से भी ज्यादा हो गए, तब भी यहाँ पर क्या हो रहे, क्रोमोसोम्स क्या हो रहे, गेन हो रहे, ये भी डिफेक्ट आ जाएगा। क्रोमोसोम्स क्या हो रहे, लॉस हो रहे, ये भी डिफेक्ट आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के नंबर 46 होनी चाहिए, ये बढ़ गया, एक क्रोमोसोम्स बढ़ गया, दूसरा क्रोमोसोम्स बढ़ गया, एक और बढ़ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्रोमोसोम्स गेन हो रहे हैं और इस कंडीशन में क्रोमोसोम्स लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यूप्लॉयडी। यूप्लॉयडी का मतलब होता है गेन ऑफ क्रोमोसोम्स।
यूप्लॉइडी में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, गेन होते हैं, उस कंडीशन को हम यूप्लॉइडी की कंडीशन कहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होनी चाहिए। अब 46 से ज्यादा हो गया 47, 47 से ज्यादा हो गया 48, तो इस कंडीशन में जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, गेन होते हैं, उस कंडीशन को हम यूप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, तो यूप्लॉइडी मींस पॉलीप्लॉइडी। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उस कंडीशन को हम यूप्लॉइडी कहते हैं। अब हमने यहाँ पर बताया कि आपके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम गेन हो रहा 47 हो गया, एक और गेन हो रहा 48 हो गया, तो इस कंडीशन को हम यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन कहते हैं। जो हमेशा हमारे पास यूप्लॉइडी होता है, यूप्लॉइडी। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यूप्लॉइडी में क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, बढ़ता है। यूप्लॉइडी में क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यूप्लॉइडी की कंडीशन में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं, पहले दो कंडीशन को आपको जानना है। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स क्रोमोसोम्स का पूरा सेट, 23 पेयर एंड 23 इस तरीके से बढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन 23 प्लस 1 इक्वल टू 24, 24 प्लस 1 या 23 प्लस 2 इक्वल टू 26। ठीक है, 23 मीन्स कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास, 23 मीन्स 46 प्लस 1। ठीक है, तो ये कंडीशन अलग है कि क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ रहे हैं, और ये कंडीशन अलग है कि क्रोमोसोम्स का पूरा सेट बढ़ रहा है। जब क्रोमोसोम्स का कंप्लीट सेट इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को हम यूप्लॉइडी की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, यूप्लॉइडी की कंडीशन में क्या होता है, गेन ऑफ क्रोमोसोम्स। यूप्लॉइडी की कंडीशन में क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होता है। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ते, क्रोमोसोम्स का जो पूरा सेट है वो इंक्रीज होता है। जबकि हमारे पास एनीप्लॉइडी की कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते हैं, 1 इंक्रीज होगा, 2 इंक्रीज होगा, 3 इंक्रीज होगा, जबकि यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते हैं, पूरा सेट। ठीक है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूप्लॉइडी की कंडीशन में क्या होता है, यूप्लॉइडी हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। ठीक है, यूप्लॉइडी किस कंडीशन में होता है, डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि यूप्लॉइडी हमेशा प्लांट्स में हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यूप्लॉइडी सबसे ज्यादा हमें प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। यूप्लॉइडी मीन्स पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन प्लांट्स में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमने क्या जाना है कि यूप्लॉइडी क्या होता है, यूप्लॉइडी की कंडीशन में क्रोमोसोम्स के नंबर गेन होते हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर कैसे गेन होते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, आप यूप्लॉइडी की कंडीशन में डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। यूप्लॉइडी की कंडीशन या यूप्लॉइडी के मोस्टली एग्जांपल हम हमारे पास प्लांट में हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं, तो इस कंडीशन को हम यूप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एनीप्लॉइडी पढ़ेंगे। अब देखिएगा एनीप्लॉइडी की कंडीशन में क्या हो रहा है, जब इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे डिक्रीज होंगे। किस कंडीशन में, एनिप्लॉइडी की कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और डिक्रीज मीन्स लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम से अब ये वाली पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन क्या आ गई, यूप्लॉइडी की कंडीशन क्या आ गई, 47 एंड 48 आ गई, और एनीप्लॉइडी की कंडीशन 45 आएगी, 44 आएगी, 43 आएगी। तो इस कंडीशन में जिसमें कि क्रोमोसोम्स के नंबर सेट नहीं, क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस कंडीशन को हम एनीप्लॉइडी की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो एनीप्लॉइडी मीन्स नंबर चेंज होता है, एंड इफ एनीप्लॉइडी मीन्स नंबर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों पॉइंट को समझने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, जिसमें कि हम समझेंगे हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी।
अब देखिएगा हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है, कमी होना, और हाइपर का मतलब होता है अधिकता होना, ज्यादा होना, ठीक है। हाइपोप्लॉइडी मीन्स जब क्रोमोसोम्स के नंबर कम होते हैं उस कंडीशन को हम हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। हाइपरप्लॉइडी मीन्स जब क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होंगे, उस कंडीशन को हम हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं, घटते हैं, या उसमें लॉस होता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोप्लॉइडी में हमारे पास दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन इज मोनोसोमी एंड सेकेंड कंडीशन इज मिलीसोमी। देखिएगा स्टूडेंट, मोनोसोमी, मोनोसोमी मींस एक नंबर। तो हमारे पास क्रोमोसोम्स नंबर कैसे होते हैं, 2n फॉर्म में, कैसे होते हैं, 2n फॉर्म में। तो मोनोसोमी की कंडीशन में 2n जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। तो 2n-1, तो इस कंडीशन को हम मोनोसोमी कहते हैं। मोनो मींस वन, सोमी मींस क्रोमोसोम्स। जब केवल एक वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, लॉस होता है, तो उस कंडीशन को हम मोनोसोमी कहते हैं, ठीक है। नीलीसोमी, अब नीलीसोमी का मतलब क्या होता है, ठीक है, नीलीसोमी का मतलब क्या होता है, मोनोसोमी, मोनोसोमी मींस वन, नीलीसोमी मींस 2n-2। अब इसी में से 2 माइनस कर दिया, तो इस कंडीशन को हम नीलीसोमी कहते हैं। तो हाइपोप्लॉइडी में ये दो कंडीशन आती है। हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है, हाइपरप्लॉइडी में भी हम दो कंडीशन का एग्जांपल देंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे, यही जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 2n+2 एंड 2n+1 एंड 2n+2, ठीक है। तो हाइपोप्लॉइडी वो कंडीशन होती है जिसमें कि क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, लॉस होते हैं, उस कंडीशन को हम हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। अब हाइपोप्लॉइडी में भी हमने कैटेगराइज करा कि मोनोसोमी क्या होता है, ठीक है। मोनो मींस वन, जब वन एक ही क्रोमोसोम्स लॉस होता है, तो उस कंडीशन को हम मोनोसोमी कहते हैं। नीलीसोमी मींस इंपॉर्टेंट है ये, नीलीसोमी मींस जब दो नंबर, दो क्रोमोसोम्स कम होते हैं, 2n-2, दो कम कर देंगे हम, तो उस कंडीशन को हम नीलीसोमी कहते हैं। ये हाइपोप्लॉइडी में, हाइपो मींस कमी होना, हाइपर मींस ज्यादा होना। अब देखिएगा जैसे इसका अपोजिट कर दिया हमने हाइपरसोमी में, हाइपरप्लॉइडी में, तो 2n+1 एंड 2n+2, तो ये कंडीशन हमारे पास 2n=46 लिखेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है। ये इसको हम ट्राइसोमी कह सकते हैं, मोनोसोमी, नीलीसोमी, इसको हम ट्राइसोमी कहेंगे स्टूडेंट, और इसको हम टेट्रासोमी कहेंगे। देखिएगा एक बार आप दोबारा से देखेंगे, पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कवर किया कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। अगर हम 2n लिखते हैं तो 2n=46, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है एनीप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी जो आपके पास है, मीन्स पॉलीप्लॉइडी भी हम इसे कह सकते हैं। तो यूप्लॉइडी की वो कंडीशन होती है जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेन होते हैं, और यूप्लॉइडी हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है प्लांट्स में। उसके बाद हम एनीप्लॉइडी पढ़ते हैं, तो एनीप्लॉइडी के एग्जांपल हम सारे ह्यूमन बीइंग के देखते हैं। तो एनीप्लॉइडी में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लॉस होते हैं, ठीक है। यूप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेन होते हैं, ठीक है। अब हमने फिर पढ़ा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 46 होते हैं। 46 में से अगर क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ रहे, इस तरफ बढ़ रहे तो हाइपरसोमी, इस तरफ घट रहे तो हाइपोसोमी, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेन हो रहे 47, तब भी डिफेक्ट है, 48 डिफेक्ट आ गया, 45 कमी हो रही है, तब भी डिफेक्ट आ गया। तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स एंड गेन ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर हमने पढ़ा यूप्लॉइडी में गेन होते हैं क्रोमोसोम्स। अब यूप्लॉइडी की स्पेसिफिक कंडीशन है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही गेन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं,
सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेन होते हैं, डिप्लोइड कंडीशन में होते हैं, और यूप्लॉइडी मोस्टली प्लांट में दिखाई पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स लॉस हुआ, दो क्रोमोसोम्स लॉस हुए, तीन क्रोमोसोम्स लॉस हुए, तो उसको हम एनिप्लॉइडी की कंडीशन कहते हैं, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, डिक्रीज होते हैं, लॉस होते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज होते हैं। अब हमने इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हाइपोप्लॉइडी की कंडीशन क्या होती है और हाइपरप्लॉइडी की कंडीशन क्या होती है। हाइपोप्लॉइडी मीन्स कमी होना, तो मोनोसोमी मीन्स जब एक क्रोमोसोम्स का नंबर कम हो जाता है, 2n-1 तो कम हो गया, 2n मीन्स 46-1 इक्वल टू क्या हो गया, 45, तो यहाँ पर क्या हो गए, क्रोमोसोम्स क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए, 45 हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गए, 44 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गए, 46+1 इक्वल टू 47 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 46+2 इक्वल टू 48 की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ऐसे दिखाई पड़ता है, तो ये हमारे पास ये या इस कंडीशन को आप एक्सो कंडीशन कहेंगे, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो नीली सोमी होती है वो एक्सो कंडीशन होती है। तो बाकी हम ज्यादा डिटेल्स कि अब हमारे पास ये आता है, मोनोसोमी एक क्रोमोसोम्स कम हो गया, नीली सोमी दो क्रोमोसोम्स कम हो गए, हाइपरप्लॉइडी मीन्स हाइपर मीन्स ज्यादा होना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब बढ़ जाते हैं, तो ट्राइसोमी मीन्स अब आपके पास सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, 2n+1 आपके पास ये कंडीशन आ गई, इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहते हैं। टेट्रासोमी दो क्रोमोसोम्स बढ़ गए तो इसको हम टेट्रासोमी कहते हैं। तो ये हमारे पास, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आपके पास इंट्रोडक्शन था कि आपके पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ने से पहले आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास इस कंडीशन में क्या होता है, नीली सोमी में क्या होता है, ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उनके सिम्टम्स पढ़ेंगे, कैसे होते हैं, कैसे सिम्टम्स आते हैं। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।